और देशों की बैठक में हिस्सा लेकर जापान से देश वापस लौटे प्रधानमंत्री मोदी, अपनी यात्रा को फायदेमंद बताते हुए वीडियो ट्वीट किया। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, चीनी के निर्यात पर रोक लगाई, खाने के तेल पर 2 साल के लिए सरकार ने कस्टम ड्यूटी को खत्म किया। महंगाई पर ओवैसी का केंद्र सरकार पर तंज, बोले बुगलों की वजह से महंगा हुआ पेट्रोल डीजल, अकबर शाहजहां को ठहराया महंगाई बेरोजगारी का जिम्मेदार। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में मोदी सरकार पर शिकार। आजम खान ने दिए समाजवादी पार्टी छोड़ने के संकेत, कहा सोचा नहीं था दूसरी कश्ती में सवार होना पड़ेगा। मथुरा जिला जज की अदालत में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुनवाई, 13.37 एकड़ भूमि के मामले में सुनवाई, 7 लॉ स्टूडेंट्स और दिल्ली लखनऊ हाईकोर्ट के 4 अधिवक्ताओं की याचिका, ईदगाह हटाने की मांग। कुतुब मीनार में पूजा करने की मांग पर 9 जून को आएगा फैसला, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला, 1 हफ्ते में दोनों पक्षों को दाखिल करना होगा जवाब। पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला की भ्रष्टाचार के आरोपों में बर्खास्तगी के बाद गिरफ्तारी, केजरीवाल ने कहा पंजाब में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, पार्टी के सीएम कैंडिडेट रहे कर्नल अजय कोठियाल ने ज्वाइन की बीजेपी, सीएम धामी ने दिलाई सदस्यता। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की सजा पर आज एनआईए कोर्ट फैसला सुनाएगा, यासीन मलिक पर 2017 में कश्मीर घाटी में अशांति पैदा करने के मकसद से आतंकवाद और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप, यूएपीए के तहत लगे सभी आरोप किए थे कबूल। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला, श्रीनगर के सौरा इलाके में पुलिसकर्मी को आतंकियों ने गोली मारी, पुलिसकर्मी की बेटी पर भी फायरिंग की गई, हमले में पुलिस जवान शहीद, बेटी घायल।